हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे माइक्रोनी बिल्कुल नए तरीके से। इस तरीके से बनी हुई माइक्रोनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत लाजवाब माइक्रोनी बनेगी। तो चलिए इसे बनाना करते हैं शुरू। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक सगला, और सगले में हम डालेंगे खूब भर कर के पानी। माइक्रोनी उबालनी है तो माइक्रोनी उबालने के लिए हमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही चाहिए। अब हम डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच सरसों का तेल। इससे क्या होगा कि अपनी जो माइक्रोनी है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब इसको हम गर्म होने तक छोड़ देंगे, पानी को खूब अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे पानी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें अपनी माइक्रोनी। तो लीजिए, यहाँ पे हम फटाफट से अपनी माइक्रोनी इसमें डाल देते हैं। माइक्रोनी को हम यहाँ पे 80% तक कुक करेंगे। लीजिए, हम इसे हला देते हैं। ऊपर से हम इसे ढक करके थोड़ा पकाएंगे। इसे पूरा नहीं ढकना है, आपको एक साइड से ऐसे छोड़ देना है, नहीं तो इसका जो उबाल आता है सारा पानी बाहर फैल जाएगा। माइक्रोनी को यहाँ पर हम 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। तो लीजिए, यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोनी अपनी जो है वो 80% तक कुक हो चुकी है। बस हमें इतनी करनी, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। अब इसे निकाल लेंगे हम एक स्ट्रेनर में। तो यहाँ से हम इसका पानी अलग कर लेते हैं। पानी अलग करने के बाद तुरंत से आप इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए। पानी डालने से क्या होगा कि अपनी जो माइक्रोनी है वो बिल्कुल खिली खिली रहेगी, आपस में चिपकेगी नहीं ठंडे पानी से। तो लीजिए, यहाँ पे अपनी जो माइक्रोनी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक पैन। तो मैंने यहाँ पे एक पैन रखा है गैस पर। इसमें डालेंगे हम अपना मक्खन, और साथ में डालेंगे हम यहाँ पर मैदा। मैदा हमें यहाँ पे 1.5 चम्मच डालना है, क्योंकि हम नए स्टाइल की यहाँ पे माइक्रोनी बना रहे हैं ना। तो इस तरीके से माइक्रोनी बनाकर एक बार खाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसको हम भूनेंगे थोड़ा लाल होने तक, जब तक हमारा ये थोड़ा सा कलर ना चेंज होए तब तक हम इस मैदे को भूनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, बस हमें यहाँ तक ही भूनना है। अब हम यहाँ पर डालेंगे आधी कटोरी मलाई। ये फ्रेश मलाई है, इसको भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इसके साथ, और थोड़ी देर तक इसे भी हम भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी है। अपना घी है वो छोड़ दिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा आधी कटोरी दूध, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको जैसे जैसे आप मिक्स करो, इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी होता जाएगा। देखिए, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही क्रीमी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, और थोड़ी सी हम डालेंगे यहाँ पे चिली फ्लेक्स, और साथ ही में हम डाल देंगे थोड़े से अपने स्वीट कॉर्नर, और इसे भी हम इसके साथ 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अपनी जो ये क्रीमी सॉस है जो बन करके तैयार हो चुकी है, बस हमें ऐसे ही थोड़ी गाढ़ी होने तक इसे पकाना था। तो ये हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने ली है एक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल को हम खूब अच्छे से पका लेंगे, और इसमें डालेंगे हम यहाँ पर जीरा। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा डाला है, साथ ही में डाल देंगे हम थोड़ा कड़ी पत्ता, और एक मैंने यहाँ पे ली है शिमला मिर्च, इसको भी साथ ही में डाल देंगे, और साथ ही में डाल देंगे यहाँ पे रफली कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे, और साथ ही में हम यहाँ पे डाल देंगे अपनी हरी मटर। अब यहाँ पे सीजन है तो हरी मटर डाल सकते हैं, अगर नहीं सीजन है तो यहाँ पे फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा लाल होने तक भूनेंगे, जो अपनी मटर है वो भी थोड़ी अच्छी से हो जाए, और टमाटर का भी अपना कलर अच्छे से हो चुका है। यहाँ पर हम डाल देंगे अपनी गाजर। गाजर को मैंने ग्राइंड किया हुआ है, तो गाजर भी यहाँ पे भुन चुकी है। अब हम डालेंगे यहाँ पर टमाटर की प्यूरी। आप यहाँ पे टमाटर को काट करके भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्यूरी डाली है, क्योंकि मुझे जो माइक्रोनी की ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक चाहिए। तो यहाँ पे हमारी गाजर भी टमाटर भी सब अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पे हम डालेंगे इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए मैगी मसाला। मैगी मसाले को भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब डालेंगे हम यहाँ पे नमक। अब यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए,
तो लीजिए अपनी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है, सब कुछ अच्छे से पक चुका है। अब हम यहाँ पे डालेंगे अपनी जो बनाई हुई सॉस, वाइट सॉस कह सकते हैं इसे। इसको हम थोड़ा पहले आधा ही डालेंगे, आधी आधी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका जो कलर है वो एकदम इसके साथ ही मैच हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें वाइट सॉस डाली है। तो देखिए जैसे जैसे ये भुनी जा रही है इसका कलर है वो अपनी ग्रेवी के साथ मैश होता जा रहा है। अब हमारी जो बची हुई सॉस थी वो भी हम इसमें डाल देंगे वाइट सॉस, और उसको भी इसके साथ अच्छे से मैश करेंगे। ये वाइट सॉस डालने के बाद इस माइक्रोनी में जो टेस्ट आएगा ना, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। आप एक बार इसे बनाकर खाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये माइक्रोनी। तो चलिए हमें इसे सेकंड बैच को भी इसे फटाफट से इसके अंदर डाल करके इसे मैश कर लेंगे। तो देखिए अपनी ग्रेवी कितनी थिक हो चुकी है, कितनी अच्छी लग रही है। तो लीजिए अपनी जो ग्रेवी है बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे यहाँ पर अपनी उबली हुई माइक्रोनी। माइक्रोनी को इसके अंदर अच्छे से मैश करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स अपनी यहाँ पे वो जो माइक्रोनी है वो बन करके तैयार हो चुकी है। अब डाल देंगे ऊपर से हम हरा धनिया। तो लीजिए अपनी यहाँ पे गर्मा गर्म माइक्रोनी बन करके तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच वीडियोज़।